Do you feel overthinking is a bad habit? Hello everyone, I'm Manika Sambhur. आज हम बात करने वाले हैं overthinking के बारे में. Well friends, overthinking is something which we all do a lot. हम सब कितना सोचते हैं ना? और आपको पता है, as per the latest survey of 2021, doctors ने ये estimate किया है that on an average, we get around 50,000 to 70,000 thoughts per day. हमें इतने सारे थॉट्स आते हैं पूरे दिन में. तो अब आपको क्या लगता है कि ओवरथिंकिंग हमारे लिए कितनी अच्छी है? वेल, टॉकिंग अबाउट ओवरथिंकिंग, व्हाट आई फील इज कि थिंकिंग इज एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग. अगर हम एक्चुअली सोच रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है. बट होता क्या है, व्हेन वी थिंक वे टू मच, कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस में करते हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और इट्स नॉट अ गुड थिंग. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ओवरथिंकिंग के बारे में अगर हम बात करें, अगर तो ये एक प्रोडक्टिव वे में हो रहा है, अगर आपके थॉट्स किसी ऐसी चीज़ को लेके डेवलप हो रहे हैं जिससे आपके फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर की, देन डेफिनेटली इट्स नॉट अ बैड थिंग. आपको पता है, अगर हम आज से 100 ईयर्स पहले की बात करें तो हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी. हम आज की जो लाइफ लीड कर रहे हैं वो किंग्स एंड क्वींस से भी बेटर लाइफ लीड कर रहे हैं जो हम 100 ईयर्स पहले थे, बिकॉज दे डिडंट हैव एनीथिंग विद देम. और आज हमें कितने कंफर्ट्स हैं, हम कितना कनेक्टेड रहते हैं सबसे. अपने घर में बैठ के हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं. सो द पॉइंट इज कि सबने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना, तभी तो इतनी टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई और हम कितनी कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें ओवरथिंकिंग की, तो ओवरथिंकिंग तब बैड होती है या तब उसमें हार्म आता है जब हम उसे एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आप वरी के थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, या आप टेंशन के या फ्यूचर को लेके अननेसेसरी बस थॉट्स ऐसे आपके क्रिएट हो रहे हैं जो आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं, या फिर आप कुछ पास्ट के थॉट्स को लेके ओवरथिंक कर रहे हो. किसी ने आपको कुछ बोला, आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, अपने माइंड में सोची जा रहे हो, एंड यू आर जस्ट कंटिन्यूसली मेकिंग अ चेन ऑफ इट, कि आप बस यही सब सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो गया, समथिंग लाइक दैट. तो अगर हम ओवरथिंकिंग की बात करें, अगर तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो जो आपकी इमेजिनेशन को बढ़ा रहा है, जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है, देन इट्स नॉट अ बैड थिंग. इट्स रियली गुड टू इमेजिन. अगर हम इमेजिन ही नहीं करेंगे तो हम कैसे कुछ नया डेवलप कर पाएंगे, तो हम कैसे कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे. सो इफ यू आर थिंकिंग इन सच अ वे दैट यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन थिंकिंग समथिंग प्रोडक्टिव, देन इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ बैड थिंग. बट कई बार क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो इतना सोचते हैं कि उनको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, उन्हें हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है. तो उस केस में कहीं ना कहीं आपके थॉट्स एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. वेल, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशंस दूंगी. द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट इज़ कि अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, वरी के थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, एंग्जाइटी, फियर, वट एवर, ऐसे कोई डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन थॉट्स को अपने माइंड को बोल के ट्रेन करना है दैट वेट, होल्ड ऑन. आपको लिटरली प्रोक्रेस्टिनेट करना है उस टाइम पे, आपको पोस्टपोन करना है और डिले करके आपको अपने थॉट्स को ये इंस्ट्रक्शंस देनी है दैट आई विल थिंक अबाउट इट एट सम अदर टाइम. यू कैन फिक्स अ टाइम. आप ये सोच सकते हो, माइंड को ऐसी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि ठीक है, अभी थॉट्स आ रहे हैं, लेट मी नॉट थिंक राइट नाउ, आई विल थिंक अबाउट इट एट 9 PM. आपने अब एक टाइम फिक्स कर लिया. बिलीव मी फ्रेंड्स, जब 9 PM होंगे तो आप सोचोगे, वाई शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम इन थिंकिंग समथिंग अनप्रोडक्टिव, व्हाट्स द नीड कि अब मैं बैठ के क्यों वरी करूँ. तो होता क्या है कि हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं और हम स्टॉप नहीं कर पाते. तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, यू हैव टू स्टॉप राइट देयर ओनली एंड यू हैव टू वेट. आपको ये सोचना है कि ठीक है, जब टाइम आएगा देन आई विल थिंक, और एक्चुअली जब टाइम आएगा तो आपको लगेगा दैट देयर इज नो नीड ऑफ वरिंग एनी मोर, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप बैठ के बस सोच रहे हो. सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने आप को ऑक्यूपाई कर सकते हो कुछ प्रोडक्टिव करने में.
होता क्या है, जब हम खाली बैठे होते हैं, हम बिल्कुल फ्री होते हैं, देन वी हैव नथिंग टू डू, तो माइंड तो चलता रहता है, एक्टिवेटेड मोड में रहता है, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट खाली दिमाग शैतान का घर. तो इसीलिए हम उस टाइम पे ओवरथिंक कर रहे होते हैं, हम अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं. बट द मोमेंट वी इंडल्ज आवर सेल्फ इनटू समथिंग प्रोडक्टिव, आप कुछ नया सीख सकते हो, यू कैन ऑक्यूपाई योर सेल्फ, आप कोई टेलीविजन वॉच कर सकते हो, यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन डू एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है आप वो कर सकते हो. तो उससे क्या होगा, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में जाएगा जो आप कर रहे हो, तो आप ओवरथिंकिंग नहीं करोगे. Third thing to avoid overthinking is you can practice meditation. It's one of the best ways to reduce your thoughts. इससे gradually आपके thoughts कम होंगे और आपकी ये जो habit है unnecessary thoughts को create करने की वो reduce हो जाएगी. So for that you can watch my video of meditation. मैंने recently एक video बनाई थी जिससे आपको help मिलेगी कि कैसे हमें meditate करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. And the last thing, अगर ये भी नहीं होता, meditate भी नहीं कर सकते, what you can do in order to avoid this overthinking, you can take a long deep breath. जैसे ही आपको वो एक thought आया जो आपको पता है it's a waste thought, unnecessary thought है वो, तो आपने अपनी breath को inhale किया, अच्छे से inhale किया और अपने stomach को पूरी तरह से आपको expand करना है. Expand करने के बाद you need to contract your stomach. तो ये एक्टिविटी अगर आप 5 times भी करोगे, इफ़ यू विल टेक 5 times लॉन्ग डीप ब्रेथ, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग की, अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट करने की, वो कम हो जाएगी. सो वेल फ्रेंड्स, ट्राई दीज टिप्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट. सो आई विल सी यू अगेन. बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गुड बाय.